नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं स्टूडियो सीरीज में, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में बात की थी मल्टीप्लेक्सर की, बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, कैसे काम करता है, ब्लॉक डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ट्रुथ टेबल, सब कुछ समझा। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में, कुछ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग काम कर रही है कि नहीं, और किस तरह के क्वेश्चन आप मल्टीप्लेक्सर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है गेट 2014 सेट 1 में, 2 मार्क क्वेश्चन ये पूछा था। तो देखिए, एक मल्टीप्लेक्सर हमारे पास है और ओरिएंटेशन देख के आप समझ सकते हैं इट्स अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। चार इनपुट लाइन है, चारों पर इनपुट आपको बताया है क्या क्या है। दो सिलेक्शन लाइन ऑफकोर्स होंगे बिकॉज 4x1 सिस्टम है, और आपको पूछा है आउटपुट फंक्शन क्या होगा। और देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास है, तो क्या करना है। देखिए हर लॉजिक में सबसे सिंपल, पहले जो भी डायमेंशन है 4x1, तो 4x1 के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे। तो अगेन लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो, तो अगर मैं आउटपुट लिखना शुरू करूं तो क्या क्या हो सकता है, आई नॉट एस नॉट एस वन बार, देन आई वन, एंड देन यू हैव एस वन बार, एंड देन आई टू, देन यू हैव एस नॉट बार, एंड देन आई थ्री, सिंपली एस नॉट एस वन। तो सबसे पहला काम हमने इक्वेशन लिखा, और अब सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यू देख देख के इक्वेशन में रखते चले। तो वट इज एस वन एस नॉट, इट इज सिंपली पी क्यू। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जल्दी से पी क्यू पी क्यू पी क्यू जो भी वैल्यू है वो लिखते चलता हूँ, और जहाँ जहाँ पर बार बोला गया है वहाँ वहाँ पर हम बार लगा लेते हैं। नाउ वट इज आई नॉट, इट इज जीरो। वट इज आई वन, इट इज वन। वट इज आई टू, इट इज आर, एंड वट इज आई थ्री, इट इज आर बार। तो देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सिर्फ डायग्राम देख के कंपेयर किया और हमने वैल्यू रखी। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो आपको मिलेगा p बार q, और यहां आपको मिलने वाला है पी क्यू बार आर, और यहाँ दोस्तों मिलना है पी क्यू आर बार। अब देखिए दूसरी ट्रिक गेट में क्या खेलते हैं, या बच्चा कैसे कंफ्यूज हो सकता है। अब यहाँ पर एक आंसर है, देखिए किसी भी ऑप्शन से मैच हो रहा है कि नहीं, नहीं मैच नहीं हो रहा, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन, आपको लगे कि शायद हमारा क्वेश्चन गलत है। लेकिन देखिए क्या किया जा सकता है, ये पहली टर्म तो आप देखेंगे यहाँ पर मैच हो रही है, मैं एक एक करके ऑप्शन बाय ऑप्शन ट्राई कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दूसरी टर्म भी जो है वो है पी क्यू आर बार, पी क्यू आर बार मैच नहीं हो रहा। तो अब देखिए ये दो टर्म हमारे पास बचे, तो हम कर ये सकते हैं कि जल्दी से आप इस फंक्शन के मिन टर्म्स देख लें कौन कौन से हैं। तो पी क्यू आर की अगर बात करूं, या चलिए एक काम कर सकते हैं, जल्दी से आप के मैप बना सकते हैं। के मैप बनाएंगे तो मेरे ख्याल से बाकी लोगों, काफ़ी लोगों के लिए सोचना आसान होगा। तो पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू एंड देन आर आर कंपेयर करेंगे, तो कंपेरिजन में यहाँ पर आइडेंटिफाई करना आसान होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हमारे पास आया है p बार q। नाउ व्हाट इज p बार q, नाउ दिस इज p बार एंड दैट p बार q, दिस इज p बार q। तो यहां पर दोस्तों 1 आ जाने वाला है। देन हमारे पास है पी क्यू बार आर, नाउ दिस इज पी क्यू बार एंड दैट इज आर, तो 5 हमें मिला। एंड देन यू हैव 6 पी क्यू आर बार। अब जरा देखिए इसने क्या क्या जनरेट किया, इसने किया पी बार क्यू, तो अगेन पी बार क्यू, 2 और 3 कवर कर लिया। जैसे बोला क्यू आर बार, नो व्हाट इज क्यू आर बार, सो नाउ यू सी दिस इज क्यू एंड दिस इज आर बार, तो 2 और 6 कवर कर रहा है, बट ये भी हमारे पास ऑलरेडी था। और नेक्स्ट है पी क्यू बार आर, तो पी क्यू बार आर बार, पी क्यू बार आर अगेन है 5। तो देखिए ये दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं, इसका वाला ऑप्शन ए करेक्ट है। तो एक और लर्निंग हमें मिली, इक्वेशन रख के आंसर निकालना आसान था, बट थोड़ा सा ट्रिक किया, डायरेक्ट उस फॉर्मेट में नहीं पूछा, तो कोई बात नहीं, हमने के मैप बनाया और मिन टर्म्स कंपेयर करके एग्जैक्टली चेक करके आंसर तक पहुंच गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगेन लेटेस्ट क्वेश्चन है 2016 सेट 1 में पूछा था, 2 मार्क क्वेश्चन। यहाँ पर 2 मल्टीप्लेक्सर देखिए लगाए गए हैं सर्किट में, बट दोनों जो है वो 2x1 मल्टीप्लेक्सर हैं, और आपसे पूछा अगेन आउटपुट क्या होगा। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले एक बात समझिएगा, क्योंकि 2x1 सिस्टम है, क्या हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन खुद लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सोचिए आउटपुट क्या होगा, सिर्फ एक ही सिलेक्शन लाइन है, तो 2 ही लॉजिक हो सकते हैं, या तो आई नॉट या तो आई वन, एंड देन सिंपली एस नॉट बार एंड एस नॉट। तो यानी कि अगर मैं अगेन टेबल बना के आपको इसको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि एक ही लाइन है एस नॉट, आउटपुट पे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू 0 होगी तो आई नॉट मिलेगा, और एस की वैल्यू 1 होगी तो आई वन मिलेगा, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहां पर देखिए काम 2 बार करना पड़ेगा। तो देखिए अगर पहले मल्टीप्लेक्सर की बात करें, तो पहले मल्टीप्लेक्सर का आउट
आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट होगा, यहाँ पर इनपुट है पी, तो पी बार आई नॉट इज जीरो प्लस पी, और यहाँ पर है आई वन, दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर, सो विल गेट पी आर, और पी आर देखिए यहाँ से मिलेगा आउटपुट। तो सेकंड मल्टीप्लेक्सर में पी आर एज अ इनपुट काम करेगा। अब देखिए उसके लिए अगर दोबारा मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो यहाँ क्या आने वाला है, सेकंड मल्टीप्लेक्सर के लिए व्हाट इज एस नॉट बार, सो इट इज क्यू बार, सो क्यू बार आई नॉट इज आर बार प्लस क्यू, एंड व्हाट इज आई टू, इट इज पी आर। सीक्वेंस में भी लिखें पी क्यू आर फंक्शन, तो विल गेट पी क्यू आर एंड देन आर बार क्यू बार, नाउ दैट इज योर आंसर। तो देखिए एक आइडिया समझिएगा, ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको ट्राई करके, दोनों लेटेस्ट क्वेश्चन है गेट में, दो नंबर के पूछे गए हैं, और कोई क्वेश्चन दोस्तों गेट में दो नंबर का पूछा जा रहा, तो आप समझ सकते हो उसकी क्या वर्थ है। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा टॉपिक है, शायद कुछ लोगों को डर लगता है, बट मुझे नहीं लगता इससे आसान टॉपिक दोस्तों कोई हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल आइडिया है, आपको एक हर बार मतलब मोरलेस गेट में कोई बहुत ज़्यादा या इवन यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बस डायग्राम आपको देख रहा है, इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, जल्दी से वैल्यू भरेंगे और सॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी, मुझे दीजिए थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाजिर हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।